नमस्कार बच्चों, तो हम कर रहे थे पतंग कविता, जिसके दो काव्यांश हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और जो दो काव्यांश रह गए हैं वो हम आज करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि पतंग कविता में कवि ने बताया क्या है। पतंग कविता में कवि ने शरद ऋतु के आगमन का वर्णन किया है। शरद ऋतु का मानवीकरण करते हुए कवि कहता है कि शरद ऋतु बच्चों को पतंग उड़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है। बच्चे पतंग उड़ाने में इतने मस्त होते हैं और बच्चों का मन भी पतंग के साथ आकाश में उड़ रहा है। तो चलिए आज हम अगली पंक्तियां शुरू करते हैं। छतों के खतरनाक किनारों तक उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। तो इन पंक्तियों में कवि ने क्या कहा है कि बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ाते उड़ाते छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं। खतरनाक किनारे की छतों पर कईयों के तो चार दीवारी होती है और कईयों के नहीं होती, या होती है तो वो छोटी होती है। तो जब उन खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं तो उस समय उन्हें गिरने से कौन बचाता है? और कोई नहीं बल्कि उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत उन्हें गिरने से बचाता है। रोमांचित का अर्थ है पुलकित, अर्थात बच्चों के शरीर में एक उमंग होती है, एक अलपनी ही धुन में वो मस्त होकर पतंग उड़ाते हैं तो उनको उस समय गिरने से उनके शरीर का संगीत ही बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती हैं महज एक धागे के सहारे। तो कवि कहता है कि जो पतंग की धड़कती ऊंचाइयां हैं उस समय उनका ध्यान पतंग की डोर के सहारे, उसकी उड़ान वो उसकी ऊंचाई पर ही केंद्रित होता है। ऐसा लगता है मानो पतंग की ऊंचाइयों ने ही उन्हें केवल डोर के सहारे थाम लिया है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंध्रों के सहारे। जब पतंग आकाश में उड़ रही है तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि बच्चे भी अपने रंध्रों का अर्थ है रोम छिद्र जो होते हैं, कि बच्चे भी पतंग के साथ अपने रोम छिद्रों के सहारे आकाश में। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है, अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, जब बच्चे पतंग उड़ाते हैं और पतंग उड़ाते उड़ाते छतों के खतरनाक किनारों तक पहुंच जाते हैं और वो गिर जाते हैं और सौभाग्यवश बच जाते हैं तो उनके अंदर से जो डर है वो खत्म हो जाता है और वे निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं, अर्थात दूसरे दिन वे और भी जोश उत्साह और उमंग के साथ पतंग उड़ाने आते हैं। ऐसा लगता है बच्चों के जोश और उमंग को देखकर पृथ्वी भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। बच्चों की तरह हर किसी में साहस होता है कुछ करने का, लेकिन जरूरत है उसे समझने की। समस्याएं हर काम को करने में आती हैं। अगर हम उन समस्याओं से डरकर पीछे हट जाते हैं या उसको छोड़ देते हैं तो हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। और यदि हम उन समस्याओं का डटकर सामना करते हैं, वे आगे बढ़ते हैं तो हम अपने लक्ष्य, अपनी उस मंजिल तक जरूर पहुंचते। अगर आपको हिंदी के किसी भी टॉपिक में कोई समस्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा, तो हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा, तो उसके ऊपर आपको नई वीडियो में आपको वो चीज़ मिल जाएगी। धन्यवाद।